हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जैसे हर सिलाई साइज के ब्लाउज के लिए आर्महोल कितना लेना है, जैसे आर्महोल की जो गोलाई है वो कितना लेना है, ये मैं आपको बताती हूँ। ये गोलाई का क्या हो जाता है, जैसे हम आर्महोल लेते हैं तो आर्महोल लेने के बाद गोलाई आधा इंच पे दो या एक इंच पे दो समझ में नहीं आता कि कितनी गोलाई देनी है। तो वो क्या हो जाता है, जैसे कमर के हिसाब से या चेस्ट के हिसाब से हमें यहाँ पे जो गोलाई होती है वो भी आप मेजरमेंट के साथ आप दोगे तो आपका जो ब्लाउज़ है यहाँ पे आपके झोल नहीं पड़ेंगे और अच्छे से मतलब फिटिंग भी आपकी अच्छी बनेगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, ये जो हम जो ये गोलाई देते हैं आर्महोल की जो गोलाई होती है वो भी आपको अच्छे से मेजरमेंट करके चेस्ट कमर के हिसाब से आपको ये गोलाई देनी पड़ती है। अभी ये गोलाई जैसे चेस्ट के हिसाब से या कमर के हिसाब से कैसे देनी है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने आपको ये ब्लाउज़ लिया है, आपको समझाने के लिए मैं पेपर के ऊपर भी समझाती हूँ कि ये गोलाई कैसे देनी है और कितने चेस्ट के लिए आपको कितनी लेनी है। अब देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ से यहाँ तक हम गले का तो नाप लेते हैं। गले का नाप लेने के बाद जो शोल्डर आता है हमारा, ये जो शोल्डर होता है शोल्डर का आधा हम कर लेते हैं और यहाँ पे हम शोल्डर का नाप लेते हैं। अभी चेस्ट के अनुसार हम 5 इंच, 5.5 इंच या 6 इंच या 6.5 इंच पे हम ये आर्महोल लेते हैं। अभी चेस्ट के हिसाब से जब हम आर्महोल लेते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता कि ये गोलाई, जैसे हमें 5.5 इंच पे दी तो यहाँ पे हमें आधा इंच पे देना है या 1 इंच पे देना है या 1.5 इंच पे देना है, ये गोलाई का समझ में नहीं आता। फिर यहाँ पे हमें 6 इंच पे या 6.5 इंच पे हम बॉक्स बनाते हैं तो उसके बाद भी यहाँ पे आपको समझ में नहीं आता तो उसको क्या करना है, तो मैं आपको इस वीडियो में इस आर्महोल के बारे में ही बताने वाली हूँ। अब देखिए, यहाँ पे ये पहले कमर का नाप लेना है, ये पूरा जो कमर होता है पूरा कमर का नाप आपको पहले नापना है। यहाँ से ये देखिए, यहाँ पे आपको जो एक्स्ट्रा पट्टी होती है उसको छोड़ के कमर का नाप लेंगे हम। ये देखिए, यहाँ पे हमारा 32.5 इंच कमर का नाप आता है, ये कमर का नाप हमारा 32.5 इंच आता है। जैसे 30 इंच के आगे आपका कमर का नाप होगा, 30 इंच के आगे होगा तो आपको कमर की ये जो थर्टी के आगे आपका कमर होगा तो आपको ये गोलाई देनी है फ्रंट साइड की 1.5 इंच पे और बैक साइड की 2 इंच पे। ये देखिए, यहाँ पे हमने 1.5 इंच पे एक मार्किंग किया था और यहाँ पे हमने 2 इंच पे एक मार्किंग किया है। जैसे ये कमर का जो नाप होता है हमारा, ये जो कमर का नाप है पूरा आपको नापना है। पूरा नापने के बाद आपको पता चलेगा, जैसे 30 इंच या 30 इंच के बाहर, यानी कि 31 इंच या 32 इंच, जैसे 32 इंच, 31 इंच होगा आपका, तो यहाँ पे आपकी गोलाई आएगी यहाँ से 1.5 इंच पे। जैसे यहाँ पे पहली गोलाई आएगी आपकी फ्रंट साइड की 1.5 इंच पे और बैक साइड की गोलाई आएगी आपकी 2 इंच पे। अभी 30 इंच के अंदर, अभी ये हुआ हमारा 30 के आगे, जैसे 31, 32, 33 या 34 जो भी आपका ब्लाउज का कमर की साइज होगी, 30 से आगे जितनी भी आपकी कमर की साइज होगी कि यहाँ पे गोलाई हमारी 1.5 इंच पे और 2 इंच पे आएगी। अब उसके बाद जैसे कमर का नाप हमारा 30 से अंदर यानी कि 29 इंच या 30 इंच होगा, जैसे यहाँ पे हमारा जो कमर का नाप आता है, यहाँ पे जो कमर का नाप आता है वो 30 के अंदर, जैसे 30 या 29, 28 इस तरह से आता है, तो यहाँ पे हमें गोलाई जो देनी है फ्रंट साइड की गोलाई आएगी हमारी 1 इंच पे, यहाँ पे आएगी जो फ्रंट साइड की गोलाई आएगी 1 इंच पे और बैक साइड की गोलाई आएगी हमारी 1.5 इंच पे। इसको आपको ध्यान रखना है, कमर के हिसाब से हमारी ये गोलाई रहती है। जैसे 30 के आगे होगी, 30 से ये कमर जो है 30 से आगे होगा तो आपको ये गोलाई देनी है 1.5 इंच पे फ्रंट साइड की, यहाँ पे हमारी ये फ्रंट साइड की गोलाई आएगी 1.5 इंच पे और बैक साइड की जो गोलाई आती है ये आएगी हमारी 2 इंच पे। जब 30 के अंदर कमर होगा यानी कि 28 इंच, 29 इंच या 30 इंच जो भी आपका कमर होगा 30 इंच तक, तो आपकी ये गोलाई आएगी जैसे फ्रंट साइड की गोलाई आएगी आपकी 1 इंच पे और बैक साइड की गोलाई आएगी आपकी 1.5 इंच पे।
इस तरह से आपको ये गोलाई जो देंगे तो इसमें आपके ब्लाउज में ये झोल जो पड़ते हैं, यहाँ पे आपके जो झोल आते हैं वो झोल नहीं पड़ते, क्योंकि यहाँ पे ये गोलाई जो आपकी ख़राब हो जाएगी या आपको समझ में नहीं आएगा या कम ज़्यादा होगी तो यहाँ पे ऐसे प्लेटें पड़ जाते हैं, हल्के से प्लेटें पड़ जाते हैं, यहाँ पे हमारी फिनिशिंग के साथ ये फिटिंग नहीं बैठती। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मेजरमेंट के साथ आप गोलाई दोगे तो आपकी फिटिंग भी परफेक्ट आएगी और यहाँ पर झोल भी नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने आर्महोल का बताया है आपको। जैसे 30 के बाद यानी कि 31, 32, 34, 35 जो भी होगा तो गोलाई आएगी 1.5 इंच पे और बैक साइड की 2 इंच पे, और 30 के अंदर या 30 तक होगा तो आपकी गोलाई आएगी फ्रंट साइड की 1 इंच पे और बैक साइड की 1.5 इंच पे। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये आर्महोल की जो गोलाई है, आर्महोल के बारे में बताया है कि कैसे ये गोलाई लगानी है। तो इस तरह से आप लगाओगे तो आपका ब्लाउज भी एकदम परफेक्ट आएगा। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।